नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले के कारण मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है, ए 1000, बी 2000, सी 3000 या डी 4000 रुपए। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहपुर, प्रसूता के बदले दे दिया नवजात को इंजेक्शन, नवजात की गई जान, परिजनों ने किया हंगामा। नवगछिया के बिहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहपुर में एक घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़ित मनीष कुमार सिंह उम्र 32 वर्ष पिता स्वर्गीय सुखदेव सिंह ग्राम मड़वा थाना बिहपुर ने बिहपुर थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर रविवार को प्रातः 4 बजे मेरी पत्नी संध्या कुमारी को प्रसव पीड़ा हुआ, उसके बाद पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां 7:30 बजे के लगभग लड़की का जन्म हुआ। उसके बाद मां को दर्द होने पर नर्स प्रीति सागर ने मां की जगह नवजात को ही सुई लगा दी और डॉक्टर को बुलाने पर वह गुस्सा गई और बच्चे की जब हालत बिगड़ने लगी तो आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएगा। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दोपहर में नवजात को घर ले जाने को कहा, लेकिन बच्चे ने जब आँख नहीं खोला तो परिजन दोबारा घर से अस्पताल लेकर आए, जहां बच्चे की जान चली गई। वहीं मामले में मनीष कुमार ने सहायिका प्रीति सागर एवं उपस्थित डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बताते चलें कि घटना के बाद अस्पताल में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जहां परिजन काफी गुस्से में थे। बिहपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी के समझाने पर व मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की बात कहने पर परिजन शांत हुए। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया में भारी मात्रा में हथियार बरामद। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम के स्पेशल टीम और गोपालपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 अपराधी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हथियार बरामदगी एवं अपराधी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस लगातार दूसरे ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि पुलिस टीम अभी काम कर रही है। बताया जाता है कि नवगछिया NH 31 के एक ढाबा के पास से हथियार के साथ अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। सूत्र बताते हैं कि NH 31 के किनारे ढाबे पर भारी मात्रा में हथियार लेकर अपराधी पहुंचे थे। अपराधियों द्वारा यहां पर उक्त हथियार को रकम लेकर डिलीवरी दी जानी थी। पुलिस को अपराधियों की सूचना मिली तो पुलिस ने अपना जाल बिछाया और हथियार एवं रकम के साथ अपराधी को पकड़ लिया। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने 5 आधुनिक पिस्टल व नकदी की बरामदगी की है। नवगछिया डाक बंगला के समीप बीमार विक्षिप्त को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल रोड में डाक बंगला के समीप पिछले 2-3 दिनों से बीमार अवस्था में पड़े विक्षिप्त को नगर पंचायत नवगछिया के द्वारा उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त विक्षिप्त कई दिनों से वहीं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। विक्षिप्त की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के पदाधिकारी को सूचित किया, इसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। नवगछिया, पति ने पत्नी को गला घोंट जान से मारने का किया प्रयास, प्राथमिकी दर्ज। गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचक साहू टोला निवासी मिथिलेश कुमार शाह ने अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ मारपीट की एवं उनके गले में दुपट्टा डालकर गला घोट कर जान से मारने का प्रयास किया। घटना के संदर्भ में पीड़ित महिला ने रंगरा थाने में अपने पति को नामजद करते हुए मारपीट करने, गला घोंट कर जान से मारने का प्रयास करने एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के संदर्भ में पीड़ित महिला ने बताया कि उसका मायका गोपालपुर के बड़ी मकनपुर में है। छठ पूजा के अवसर पर वह अपने पुत्र पुत्री का मुंडन संस्कार कराने के लिए गई थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को
वह अपने बहनोई के साथ अपने ससुराल साहूटोला जैसे पहुंची। उसके पति मिथिलेश शाह गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने गला घोट कर जान मारने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह मेरी जान बच गई। वहीं पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। कट्टा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर थाना क्षेत्र के कालूचक कालंदी नगर निवासी नारायण यादव के 32 वर्षीय पुत्र जय गोपाल यादव को देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने बताया कि अग्निशास्त्र के साथ गिरफ्तार अपराधी का मेडिकल जांच कराकर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। ढोलबज्जा, खैरपुर कदवा व ढोलबज्जा सड़क मार्ग जगह जगह ध्वस्त, बड़ी अनहोनी होने की आशंका। बीते बरसात के दिनों में खैरपुर कदवा से ढोलबज्जा होकर लूरी दास टोला जाने वाली सड़क मार्ग कई जगह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बरसात खत्म होने के बाद भी संवेदक कुंभकर्णी के निंद सोए हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों व अन्य राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण सुमित कुमार, खैरपुर कदवा पंचायत के पूर्व सरपंच सुबोध मिश्रा, ढोलबज्जा के संतोष गुप्ता और मुखिया जी छोटू कुमार व दीपक कुमार राम के साथ अन्य ने बड़ी अनहोनी की आशंका को बताते हुए नौगछिया के वरीय पदाधिकारी से जल्द सड़क की मरम्मती कार्य करवाने की मांग की है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। सड़क दुर्घटना में घायल की इलाज के दौरान गई जान। सड़क दुर्घटना में घायल परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी शंभु यादव उर्फ 55 वर्ष रविवार को मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र माधव कुमार यादव ने बताया कि शुक्रवार को नौगछिया बस स्टैंड के पास NH 31 पर पैदल चल रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रक के चालक ने एकाएक ट्रक के गेट को खोल दिया। ट्रक का गेट उनके सर में जा टकराई और वे बेहोश हो गए। वहीं से उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसे गंभीर स्थिति में देखते हुए रेफर कर दिया गया था। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। नवगछिया के नगरह में पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने खाया जहरीला पदार्थ। नवगछिया के नगरा पंचायत के नया टोला में पारिवारिक कलह से परेशान सृजन मंडल की पत्नी पामा देवी 53 वर्षीय ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला के परिजनों द्वारा गंभीर स्थिति में अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया देर शाम लाया गया, जहां तत्काल उपचार के बाद गंभीर स्थिति में मायागंज भेज दिया गया। खबर लिखे जाने तक स्थिति नाजुक बनी हुई थी। पति की पिटाई से लापता महिला बरामद। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव से सुंदर यादव की पत्नी की पिटाई के बाद घर से लापता हो गई थी। पुत्री की लापता की जानकारी मिलते ही पूर्णिया जिले के रूपौली निवासी पिता ईश्वर यादव ने दामाद सहित 7 परिजनों के विरुद्ध भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के साथ ही पुलिस की तत्परता एवं दबिश पर रविवार को लापता महिला को पुलिस ने बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि महिला को बरामद कर लिया है। कोर्ट की धारा 164 का बयान होगा। कोर्ट में दर्ज बयान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ।
अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।